बजाज बाइक का स्पीडोमीटर देखिए, टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर। सुजुकी की स्कूटी का स्पीडोमीटर देखिए, टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। यामा की ये बाबा आदम के ज़माने की बाइक देखिए, इसके स्पीडोमीटर की टॉप स्पीड भी 140 किलोमीटर पर आवर है। आप भी कई बार ऐसे कोई बाइक चलाते होंगे, हीरो स्प्लेंडर या बजाज प्लेटिना। खाली रोड पर अक्सर आप पूरा एक्सेलेरेटर खोल देते होंगे और फिर भी आपके छोटे से इंजन की बाइक 80 या 90 या फिर बहुत मुश्किल से 100 की स्पीड तक पहुंच पाती होगी। मेरे पास पहले पल्सर 150 सीसी का ओल्ड मॉडल था, उसकी टॉप स्पीड भी 140 किलोमीटर पर आवर थी। मैंने उसे मैक्सिमम 105 या 110 की स्पीड तक चलाया है और वो भी बिल्कुल खाली सड़क पर। वैसे तो अब मैनुअल स्पीडोमीटर्स को डिजिटल स्पीडोमीटर्स ने रिप्लेस कर दिया है और ज़्यादातर बाइक्स डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ ही आती हैं, मगर फिर भी अभी भी काफ़ी बाइक्स मैनुअल स्पीडोमीटर के साथ ही आती हैं। तो मैं अक्सर सोचता था कि जब ये बाइक 105 से ऊपर जाती नहीं है तब भी स्पीडोमीटर में 140 की स्पीड क्यों बनी है। शायद आप भी ये कौतूहल रखते होंगे, तो आइए जानते हैं क्या कारण है छोटे इंजन्स के स्पीडोमीटर उस लिमिट तक बने होने का जहां तक वो पहुंच भी नहीं सकते। पहला कारण, मान लीजिए आप बाइक ढलान पर नीचे उतरते हुए चला रहे हैं, उसकी स्पीड उस समय 100 से ऊपर भी जा सकती है। अगर स्पीडोमीटर में मैक्सिमम स्पीड 80 तक ही होती और आपकी बाइक उससे ऊपर की स्पीड पर चली जाती तो इंजन में स्पीडोमीटर में सुई बिल्कुल राइट साइड तक चली जाती और उससे आगे जा ही नहीं पाती, क्योंकि स्पीडोमीटर में आगे जगह ही नहीं है। तो आपकी बाइक एग्जैक्टली कितनी स्पीड में चल रही है आपको कैसे पता चलेगा? छोटे इंजन्स होने की वजह से बाइक हल्की होती है और तेज स्पीड के वाइब्रेशन सहन करने के काबिल नहीं होती। आपने गौर भी किया होगा, बाइक के RPM मीटर पर राइट साइड में रेड पोर्शन होता है। इसका मतलब इंजन की RPM उस पोर्शन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उस स्पीड पर वाइब्रेशंस बाइक और राइडर दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। दूसरा कारण है स्पीडोमीटर की डिज़ाइन। मैनुअल स्पीडोमीटर्स हल्की स्पीड और हाई स्पीड पर कम एक्यूरेट होते हैं और बीच की स्पीड में ज़्यादा एक्यूरेट। स्पीडोमीटर एरर बोलते हैं उसे। यूरोपियन यूनियन के हिसाब से कोई स्पीडोमीटर एक्चुअल स्पीड से कम नहीं दिखा सकता, इसीलिए भी स्पीडोमीटर की रेंज थोड़ी ज़्यादा ही रखी जाती है ताकि बीच की रेंज में राइडर्स को स्पीड की सही सही जानकारी मिले। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा एरर। और थंब रूल जो स्पीडोमीटर मैन्युफैक्चरर फॉलो करते हैं वो है कि स्पीडोमीटर की रेंज का 80% बाइक की एक्चुअल टॉप स्पीड होती है। तीसरा कारण है एक ही तरह का स्पीडोमीटर कई बाइक्स में प्रयोग होता है, केवल ऊपर का कवर अलग होता है और अंदर की मशीनरी सेम। इस कारण से कम समय में ज़्यादा स्पीडोमीटर बन जाते हैं जिससे पर पीस की कीमत कम पड़ती है। अब अगर कंपनीज अंदर की मशीनरी भी अलग अलग बनाने लगे तो पर पीस की कीमत बढ़ जाएगी और वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो ये स्पीडोमीटर एक ही तरह के बनते हैं जो छोटी और बड़ी हर बाइक में फिट हो सकें। तो ऑब्वियस ही बात है, छोटी रेंज के स्पीडोमीटर बड़ी बाइक में तो फिट हो नहीं पाएंगे, तो इसीलिए स्पीडोमीटर बड़ी रेंज के बनते हैं। अब पता चला आपको स्पीडोमीटर की एक्चुअल मैक्सिमम स्पीड कम और रेंज ज़्यादा होने के असली कारण। आपको इसके अलावा कोई और कारण लगता है? बताइए मुझे, इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे भी ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट्स के थ्रू भेज दीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्द अगले वीडियो में।